गाइज माइक्रोमैक्स ने अपना माइक्रोमैक्स इन 1B और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को लॉन्च करके जितनी भी कंपनीज थी सबकी बोलती बंद कर दी है और एक आपको अच्छा प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, इवन अगर मैं ये कहूँ कि मोर देन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है तो भी ये गलत नहीं होगा। बट यहाँ पर माइक्रोमैक्स रुकने वाला नहीं है, माइक्रोमैक्स के 2 फोन्स और आने वाले हैं। जी हाँ, ये लगभग कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पर माइक्रोमैक्स का एक जो नोट 1 वाला जो मोबाइल था उसका एक प्रो वेरियंट आने वाला है और वहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G95 देखने के लिए मिलने वाला है जो कि काफ़ी गजब होगा। यानी कि मीडियाटेक के जितने भी प्रोसेसर हैं सब आपको मीडियाटेक के ही मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने एक पार्टनरशिप करी है मीडियाटेक के साथ में। तो आने वाले 1-2 साल तक तो आपको जितने भी मोबाइल्स मिलेंगे माइक्रोमैक्स की तरफ से सारे के सारे मीडियाटेक पर ही होने वाले हैं। और एक फ़ोन और आपको देखने के लिए मिल सकता है जो मे बी सबसे पहला फ़ोन हो सकता है इंडिया के अंदर विद डायमेंसिटी प्रोसेसर। जी हाँ, डायमेंसिटी के जो प्रोसेसर हैं वो चाइना में बहुत पॉपुलर हैं और ये 5G प्रोसेसर है इसलिए यहाँ पर उनकी इतनी डिमांड नहीं है जितनी चाइना में है क्योंकि वहाँ पर चाइना में इस समय कम्प्लीटली 5G पैकेज लॉन्च किए जा रहे हैं और वहाँ पर 5G फोन की डिमांड हो रही है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इंडिया में 5G कब आएगा, बट इंडिया में भी 4G की ही डिमांड चल रही है, 5G कोई अता पता नहीं है। तो इंडिया में भी डायमेंसिटी के प्रोसेसर आ नहीं रहे थे बट र्यूमर्स आए कि रियलमी की जो एक्स वाली सीरीज़ है X7 वो डायमेंसिटी पर इंडिया में आने वाली है। फिर आए कि नोट 10 जो है वो 5G होगा और डायमेंसिटी 800 पर या फिर डायमेंसिटी 720 पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अब र्यूमर्स आ रही हैं कि माइक्रोमैक्स जल्दी ही आपको डायमेंसिटी वाला प्रोसेसर लॉन्च करके देगा। और जब हमने इनका इंटरव्यू देखा था जो राहुल शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा था कि 7,000 से 25,000 तक आपको फोन्स देखने के लिए मिलेंगे और अभी ये कन्फर्म हो चुका है लगभग कि 2 और फोन्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं इंडियन मार्केट में। बाकी ये जो 2 फोन थे काफ़ी अच्छे थे और 25,000 से नीचे आप सब जानते हैं कि डायमेंसिटी की 1000 या फिर डायमेंसिटी का 800 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर माइक्रोमैक्स डायमेंसिटी 1000 लेकर के आता है इवन 25,000 में भी, देन ये फ़ोन एक किलर साबित हो सकता है। और जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे पोको F2 से, फाइनली माइक्रोमैक्स का जो भी फ़ोन होगा डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ में वो उसको फुलफिल करेगा और यहाँ पर आपको विदाउट एड्स वाला UI देखने के लिए मिलेगा और कैमरा कॉम्बिनेशन भी शायद अच्छा ही देखने के लिए मिल जाए क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये 2 फोन लॉन्च किए हैं एंट्री लेवल और बजट रेंज के, उसी टाइप से इन्होंने पूरा फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च कर दिया देन कम्प्लीट मार्केट को किल कर देगा। अब बात करते हैं G95 वाले प्रोसेसर में आने वाले मोबाइल के। अगर वो भी G95 में आता है और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ले आता है, 20 मेगापिक्सल से ऊपर की सेल्फी लेकर के आता है, देन ये फ़ोन भी किलर हो सकता है। और अंडर 15,000 अगर ये फ़ोन हुआ देन ये गजब होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फ़ोन की प्राइस 14,000 या फिर 15,000 रखी जाएगी जो बेस वाला वेरिएंट है उसकी। तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से एक सरप्राइज देखने के लिए मिलने वाले हैं, देन वेट करिएगा उनको। मुझे उम्मीद है कि माइक्रोमैक्स इस बार कुछ अच्छा करेगा फिर से और आपको मिड रेंज और फ्लैगशिप वाला जो एक ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड करेगा। बाकी यहाँ बताना दोस्तों कि G95 पे 14,000 में माइक्रोमैक्स फ़ोन लॉन्च करता है और अंडर 25,000 यानी कि 24-23 में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 लेकर के आता है, देन क्या आप बाय करना पसंद करोगे? अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।